किशोर जी जी हमारे हैं, हम बंगाली हैं, तो वो भी बंगाली है। किशोर दादा आपनार के आमा के अभी छोटो मानुष तो बड़ो मानुष नय अपना के हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब मैं बंगाली बोला अभी हिंदी बोलता हूँ, मतलब हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हजारों साल। और सबसे बड़ी बात है आज जो हम यहाँ पर आए हैं कंट्री क्लब में, मुंबई के सबसे अच्छा क्लब कंट्री क्लब में आए हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ BNB चैनल को और मेरे भाई पवन सर को जिन्होंने मुझे आज इंटरव्यू मेरा ले रहे और हर वक्त मुझे हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है जो मुझे एक मीडिया का इतनी बड़ी एक इंसान है जो जिन्होंने मीडिया में इतने साल दिया है, मीडिया का इतना बड़ा यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं BNB चैनल जो नंबर वन चैनल है। उसके साथ मैं सबसे विनती करता हूँ किसी को भी PR चाहिए तो प्लीज़ एक ही आप चैनल को बुलाइए, वो है BNB चैनल, वो है पवन साहब को। किशोर दादा का मुझे तो सब गाना अच्छा लगता है लेकिन मुझे कुछ कुछ गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अभी मैं गा नहीं सकता क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं डांसर हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, तो इसलिए सर मेरे न्यू प्रोजेक्ट है, अभी एक फिल्म आ रहा है जिसका नाम है मैं हूँ ऑटो वाला, वो सब जानते थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो मैं हूँ ऑटो वाला है, ड्रीम सिटी मुंबई जो 2 साल से अटका हुआ है फिल्म वो आ रहा है, मैं हूँ ऑटो वाला आ रहा है, उसके बाद आई लव यू फिल्म आ रहा है, मसूरी टू मुंबई फिल्म और भोपाल गैस कांड के ऊपर एक फिल्म बन रहा है जिसमें मेरे को साइन किया गया है, वो बारिश के बाद है शूटिंग, काफ़ी वेब सीरीज़ है, उसके साथ साथ मेरा अशफाक शेख बोल के है डायरेक्टर है, उनका मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और उनका सीरियल कर रहा हूँ, और साहिल शाह बोल के है उनका मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और उनका मैं सीरियल कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरी इंडस्ट्री जो जिस इंडस्ट्री ने मुझे आज खाना दिया, रहने का जगह दिया और इतना मोहब्बत मिला, तमाम इंडस्ट्री के लोगों को और तमाम महाराष्ट्र की मिट्टी को, महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं सैल्यूट करता हूँ, और जो मराठी लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल में पनाह दिया है, एक बंगाली इंसान 4 तक पढ़ा है।